हे एवरीबडी आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी सो टुडे वी विल डिस्कस द मॉड्यूल सिक्स ऑफ मोक टेस्ट सीरीज ऑफ लॉ एंट्रेंस 2020 तो so, 2020 में जितने भी लॉ एंट्रेंस होने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है so, so, तो इस वीडियो so, में हम जो एग्ज़ाम्स में लैंडमार्क केसेस से रिलेटेड जितने भी लीगल जी के पूछी जाती है उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है तो so, इसमें हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको अगेन यहाँ पे आपको जितना भी स्कोर है उतना आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और यहाँ पे आप पिछले मॉड्यूल्स की पीडीएफ के लिए हमसे हमारे पीडीएफ पाने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टा एफ और यहाँ पे ट्विटर के लिंक मैंने आपको नीचे दे दी है डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कीजिए और अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड अपने स्कोर बताना ना भूलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग केसेस, सेक्शन 66 सिक्स ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 थाउजेंड वॉज स्ट्रक डाउन तो इसमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें सेक्शन 66 सिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्ट्रक किया गया था तो ये जो है ये केस है ऑप्शन ए श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसके इसमें यह बोला गया था कि अगर आप कुछ भी ऑफेंसिव चीज़ों को इंटरनेट पर डालते हो तो ये जो है पनिशेबल होगी और इसके साथ ही यहाँ पे इसकी पनिशमेंट जो है थ्री ईयर्स तक हो सकती है और यहाँ पे इसके साथ ऑफेंडर को फाइन भी पे करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट गेव लीगल रिकोगनाइजेशन ऑफ थर्ड जेंडर तो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में जो है थर्ड जेंडर को एक अलग ही पहचान दी थी एज ए थर्ड जेंडर के रूप में तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इसमें ऑप्शन ए है और इसमें है ऑप्शन डी तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में जो है यहाँ पे ये यह बोला गया था कि थर्ड जेंडर भी अब होगा अगर आप फॉर्म्स वगैरह कहीं भरते हैं तो वहाँ पे अब जो है फीमेल मेल और इसके साथ ही यहाँ पे अदर थर्ड जेंडर के लिए भी स्पेस है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट व डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट तो ये यहाँ पे जो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट है ये नाइन्टीन सेवेंटी सिक्स में आया था और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इमरजेंसी पीरियड जो है वो पच्चीस जून नाइनटीन सेवेंटी फाइव से लेकर ट्वेंटी फर्स्ट मार्च नाइनटीन सेवेंटी सेवन तक था तो ये जो अमेन्डमेंट था ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में हुआ था और इसे जो है इस टाइम पीरियड में हुआ था इमरजेंसी के टाइम पीरियड में इसीलिए इसे नल एंड वाइड सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था इसमें सबसे ज़्यादा जो है अमेंडमेंट्स सबसे ज़्यादा प्रोविजन्स सबसे ज़्यादा चीज़ों को चेंज किया गया था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं तो फर्स्ट सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन इसमें से बनते हैं तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है मिनरवा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इसमें इसके काफ़ी प्रोविजंस को यहाँ पे चेंज किया गया था और इसके साथ ही यहाँ पे कुछ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में रिलेशंस को भी इसमें एक्सप्लेन किया गया था इस केस में एक्सप्लेन किया गया था डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को तो बाकी इसको जो है नैलन वॉइड इसमें किया गया था नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ यहाँ पे विच केस ले डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरिन तो इसमें से किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड डॉक्टर को यहाँ पे लाया गया था तो बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिकली काफ़ी सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं बट जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला इस केस में जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया था कि जो यहाँ पे पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है चेंजेस कर सकती है बट यहाँ पे जो केशवानंद भारती केस है इस केस में ये बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर टच नहीं कर सकती पार्लियामेंट को ये राइट right है कि वो अमेंडमेंट करे बट पार्लियामेंट को ये राइट right नहीं है कि उसको पूरा रिक्रिएट कर दे उसमें से अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर टच को टच नहीं होना चाहिए उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केस लेट डाउन द गाइडलाइंस फॉर सेक्शुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस तो ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हुआ है बहुत आता है तो ये इसमें जो फर्स्ट आंसर है आंसर है विशाखा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान तो इसमें यहाँ पे जो है वर्कर्स थे ये विशाखा के साथ यहाँ पे और भी लेडीज थी तो इन्होंने एक पीआईएल फाइल करी थी जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पे उनका आर्टिकल फोर्टीन नाइनटीन और ट्वेंटी वन इन्होंने ये बोला गया था कि ये तीन आर्टिकल का इनका हुआ है और ये सेक्शुअल हरेसमेंट पे इनको वर्क प्लेस पर पे सेक्शुअल हरेसमेंट हुआ है तो इसके साथ ही इन्होंने एक पी जो है वो करी थी और इसके साथ ही यहाँ पे कोर्ट ने जो है गाइडलाइंस दी थी और इसके जो गाइडलाइन दी थी इसमें उसके में जस्टिस जो वर्मा थे वो भी इसके बेंच में थे और इसके साथ ही 2013 में जो निर्भया 2012 में निर्भया का केस था उससे रिलेटेड 2013 में भी जस्टिस वर्मा ने यहाँ पे जो है गाइडलाइंस दी थी और इसमें जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी आया था और इसके साथ ही जस्टिस वर्मा ने जो सेक्शुअल हेरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस है इसमें इसको जो है ऑफेंसिव मानते हुए बहुत सारी इसमें गाइडलाइंस दी थी और कुछ एक्ट्स भी जो हैं वो बनाए थे तो विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है नेक्स्ट केस है इन विच लैंडमार्क केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेकेंड मैरिज ऑफ हिंदू मैन इज़ इन वैलिट इवन इफ ही कन्वर्ट टू इस्लाम बिफोर मैरिज अब ये तो जो है जैसे कि अगर हम देखते हैं कि मुस्लिम में जो है वो फोर मैरिज अलाउड है और हिंदू में जो है वो वन मैरिज अलाउड है तो यहाँ पे एक ऐसा केस है जिसमें जो एक पर्सन होता है वो पहले से शादीशुदा होता है और उसको दूसरी शादी करनी होती है तो वो यहाँ पे अपना जो रिलीजन है उसको हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट कराता है तो यहाँ पे ये कौन सा केस है तो ये है सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप बिल्कुल रिलीजन कन्वर्ट करवा सकते हो आपके पास राइट है लेकिन अगर आप ये जो रिलीजन कन्वर्ट करा रहे हो आपका ये मोटिव है कि आप जाके दूसरी शादी करोगे आप शादी दूसरी शादी करने के पर्पज़ से अगर आप अपना जो है रिलीजन कन्वर्ट करवा रहे हो तो यहाँ पे अगेन जो आपकी दूसरी शादी है वो जो है वो वॉइड मानी जाएगी वैलिड नहीं होगी क्योंकि जब आपने पहली शादी करी थी तो आपने जो है आप हिंदू थे और यहाँ पर आपकी पहली शादी वैलिड है अगर आपकी पहली शादी पूरी तरह से वैलिड है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो ऐसे में दूसरी शादी जो है वो पूरी तरह से वॉइड मानी जाएगी और आपने अगर रिलीजन कन्वर्ट कराने के बाद भी चाहे वो की हो लेकिन अगर आप पहले हिंदू हो और आपने शादी कर ली है तो आपकी पहली शादी ही सिर्फ मानी जाएगी और सेकेंड जो है यहाँ पे आपको बाईगमी के चार्जेस लगेंगे तो यहाँ पे ये मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है हिंदू में एक मैरिज अलाउड है मुस्लिम में चार मैरिज अलाउड है और मुस्लिम में ये जो फ़ोर मैरिज अलाउड है ये सिर्फ मैन को अलाउड है फीमेल को ओनली वन मैरिज अलाउड है और हिंदू में जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक एक मैरिज अलाउड है और अगर कोई सेकेंड मैरिज कमिट करता है तो वो बाईगमी में फॉल करेगी नेक्स्ट है इन विच लैंडमार्क लीगल केस इट वाज हेल्ड दैट प्रेम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से केस में ये कहा गया कि जो प्रेम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो ये बेरूबरी वाले केस में कहा गया है बेरूबरी वाले केस में ये बोला गया था कि प्रेम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इसके बाद ही जैसे ही केशवानंद भारती का केस आया तो इस केस के जजमेंट में ये बोला गया कि जो इसका इसको अपोजिट कर दिया गया कि प्रिम्बल इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ पे पार्लियामेंट यहाँ पे सॉरी प्रिम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट है इन विच लैंडमार्क लीगल केस द सुप्रीम कोर्ट हैज दैट पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे इसमें इस ये जो है ये शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बोला गया था कि पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो अमेंड कर सके ये जो शंकरी प्रसाद वाले केस की जजमेंट है ये अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट फर्स्ट जो कि फ़र्स्ट अमेंडमेंट 1951 को हुआ था तो इस इस समय इसमें इस जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे और लैंड रिफॉर्म्स को यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे तो ये वाली जो केस की जजमेंट थी ये बिल्कुल इसके अपोजिट थी क्योंकि इसमें जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की थी उनको प्रोवाइड कराया गया था और इसी केस में जो है उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की बात की गई थी तो ये इम्पॉर्टेंट केस है नेक्स्ट केस है इन विच लैंडमार्क केस फंडामेंटल राइट्स वर कंसिडर्ड एज़ इन वायोलेटिव पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे ये यह जो केस है ये गोलकनाथ वाला केस है गोलकनाथ वाले केस में बोला गया था कि फंडामेंटल राइट जो हैं इनको अमेंड नहीं किया जा सकता और ये जो है इनवोइलेबल पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट जो है इनलिश लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वेस्टेड इन द हाई कोर्ट इन आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स And right to move the Supreme Court under Article 32 is an integral and essential feature of the constitution to तो इसका correct जो answer है वो है चंद्र कुमार वर्सेज Union of India इस केस में ये बोला गया था तो आर्टिकल थर्टी टू के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पावर होती है फाइव रिट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हाई कोर्ट के पास जो है टू ट्वेंटी सिक्स में हैं तो अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वॉलेट्स होते हैं तो यहाँ पे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो इससे हेल्प ले सकते हैं और इस इन दोनों आर्टिकल्स के अंडर में दोनों कोर्ट के पास जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को ये रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं और विथ्स पावर इनके पास है जुडिशियल रिव्यू की पावर भी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लैंडमार्क केस द फॉर्मर चीफ ऑफ पुलिस ऑफ अ स्टेट वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ assault और क्रिमिनल फोर्स टू women विथ इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी तो ये वाला जो क्वेश्चन इसका आंसर है ऑप्शन बी के पी एस गिल वर्सिज रूपन द्यल बजाज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लैंडमार्क केस द कोर्ट रूल दैट ग्रांट कांट चेंज द माइनॉरिटी नेचर ऑफ द इंस्टिट्यूशन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्टीफन्स वर्सिज यूनिवर्सिटी ऑफ डेली सेंट स्टीफन्स वर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ डेली ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंडमार्क केस द सुप्रीम कोर्ट दैट डेपिक्शन ऑफ प्रिप्रेशन वायलेंस इज़ नॉट इन कंट्रवेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये जो है यहाँ पे अगर देखें हम वायलेशंस की बात हो रही है कि कोर्ट हेल्ड डिपेक्शन ऑफ प्रिपेशन वायलेंस इज़ नॉट इन कॉन्ट्रवेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जो पूरा केस है ये बाद में उब, ये एक सीरियल है तमस सीरियल आता था जो 1947 पे जितने भी यहाँ पे दंगे हुए थे इनसे रिलेटेड ये एक तमस सीरियल था तो वहीं से ही इस केस की शुरुआत हुई थी और ये इम्पॉर्टेंट तमज सीरियल 1947 के जितने भी राइट्स वगैरह थे जितने भी दंगे थे जितने भी लोगों को परेशानियाँ हुई थी उन सभी को दिखाया गया था नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच लैंडमार्क विच important लैंडमार्क केस was the फर्स्ट वन इन विच कन्विक्शन happened under द अंडर द आई टी एक्ट टू थाउजेंड तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है टू थाउजेंड का तो इसमें यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट वन इसमें कन्विक्ट कौन हुआ था कन्विक्शन जो है कौन से केस में हुई थी तो इसका आंसर है तमिलनाडु वर्सेज सुहास कट्टी टू थाउजेंड फोर का केस है इस केस में सबसे पहले जो है वो कन्विक्ट हुआ था और इसमें इसके अकॉर्डिंग ये था कि नेट पे आप कोई भी ऐसी ऑफेंसिव चीज़ें नहीं अपलोड करोगे तो उसके अंदर तीन साल की मैक्सिमम जो तीन साल की सज़ा भी हो सकती है और प्लस में इसके साथ आपको जो है वो फ़ाइन भी पे करना पड़ सकता है ऑफेंस की पनिशमेंट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लेट दैट रिजर्वेशन कांट बी प्रोवाइडेड इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है पी ए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये बोला गया था कि जो रिजर्वेशन है ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा आप देखते हो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही प्रोवाइड कराया जाता है जॉब्स में एडमिशन में नेक्स्ट है द नेशनल एम्बलेम एंड द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इज अ रेप्लिका ऑफ द कैपिटल ऑफ अशोकास पिलर एट एट सारनाथ अशोक के पिलर हमें देखने को मिलते हैं सारनाथ में ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डायरे आर डायरेक्टली कंसर्न विद ऑप्शन ए ओनली सोशल जस्टिस ऑप्शन बी ओनली इकोनॉमिक जस्टिस ऑप्शन सी ओनली पॉलिटिकल जस्टिस ऑप्शन डी ऑल द एब सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल द एबव जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये जो है हर टाइप के यहाँ पे जस्टिस की बात करती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये जो है पनिशेबल यहाँ पे बोथ सिविल एज वेल एज़ क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों ही कंटेम्प्ट होते हैं ये तब होते हैं जब आप डिसबिडियंस करते हो यहाँ पे डिसऑबिडियंस ऑफ कोर्ट यानी आप कोर्ट के किसी नोटिस को नहीं मानते हो या कोर्ट ने समन भेजा है आप उसको डिसऑबीडियंस कर रहे हो तो ये जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब माना जाता है इसमें सिक्स मंथ तक की पनिशमेंट भी आपको हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज नॉट अ सॉवरीन बॉडी इन द बिगिनिंग बट इट बिकम अ सोव्रीन बॉडी आफ्टर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सोवरन और ये हमारे प्रेम्बल में मेंशन है सोव्रीन और इसे फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन को जो है वो ऐड किया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पहले जो है सोवरीन को अडॉप्ट नहीं किया था स्टार्टिंग में इसको बाद में अडॉप्ट किया था और इसको फिर बाद में प्रेम्बल में भी जो है वो रखा गया जो प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है और इसके साथ ही पांच वर्ड प्रियम्बल में इंपॉर्टेंट है सोवेन और सोवेन से सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये पांचों वर्ड इसके साथ इंपॉर्टेंट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वास बी आर अम्बेडकर ये बी आर अम्बेडकर थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जून थ्री प्लान जून थ्री प्लान को किस नाम से भी जाना जाता है तो जून थ्री जो प्लान है इसे यहाँ पे माउंट बेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर नेक्रो एनालिसिस पॉलीग्राफ टेस्ट विदाउट इज तो ये जो किसी भी टाइप के ऐसे टेस्ट होते हैं ये किसी भी पर्सन का हो रहा हो चाहे वो यहाँ पे एक्यूज पर्सन हो या कोई भी पर्सन हो चाहे वो ऑफेंडर हो ऐसे केसेस में कभी भी आप आ, ये जो है ये क्या होता है प्रोहिबिट होता है प्रोहिबिट इन ऑल केसेस नेक्स्ट रिट ऑफ हबीज कॉर्पस इज़ एन रिट ऑफ हबीज कॉर्पस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और ये जो है फाइव टाइप की हमारे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अवेलेबल हैं तो जिसमें एक हबीज कॉर्पस भी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्बेडी द सोशल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व सेट बाय ये किसने कहा था तो ये है ये ग्रैंडविल एस्टिन ने इसको कहा था हमारे प्रेमबल के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर ऑफ समन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ये किसके पास है पावर पार्लियामेंट को समन करने के तो ये प्रेजिडेंट के पास है तो आपके जितना भी स्कोर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इंस्टा और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं That's all from my side and don't forget to subscribe my channel. Thank you!